हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स की वीडियो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें आज का क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज का क्वेश्चन है, गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए, अर्थात कूलाम के नियम की उत्पत्ति कीजिए या कूलाम के नियम को सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2017 में आया था, 2018 में आया था, 2014 में भी आया था और 2010 में भी आया था। रिपीटेड क्वेश्चन है और इसमें तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ही है, इसमें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा ही रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। गॉस का नियम तुमने पहले भी पढ़ चुका है, पहली वाली वीडियो में आप पढ़ चुके हो, थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, केवल आपको समझा दे रहा हूँ। गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी कि ये मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, ये क्या है, पृष्ठ है, और इस पृष्ठ का जो फ्लक्स है, कौन सा फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, ये क्या है, वैद्युत फ्लक्स, इस पृष्ठ का कुछ ना कुछ आवेश होगा, उस आवेश का जैसे बोलते हो 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कितने गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, गॉस का नियम कहते हैं। ठीक है, तो गॉस का नियम क्या कहता है, किसी भी पृष्ठ का कुल रेखीय, सॉरी, किसी भी पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ε0 गुना होता है। यही क्या होता है, आपका गॉस का नियम होता है। तो यही चीज़ को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसका यूज होगा तो मैं आपको इसको रेड से लिख दे रहा हूँ। ई बराबर कितना, 1/ε0 × E। तो क्या है कि किसी पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के आवेश का 1/ε0 गुना होता है, इसी को हम गॉस का नियम कहते हैं। अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, कूलाम के नियम की प्राप्ति या कूलाम के नियम का निगमन। तो देखिएगा, हमने माना कि प्लस क्यू कूलाम आवेश, देखो यहाँ से स्टार्ट करूँगा क्योंकि मैं इधर लेके आ जाऊँगा, ठीक है, इधर से स्टार्ट करते हैं, तो ये चीज़ यहाँ से आप समझ जाना, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि माना कि प्लस क्यू कूलाम आवेश एक बिंदु O पर रखा है, इसके चारों ओर R त्रिज्या का हमने क्या मान लिया, R त्रिज्या का एक हमने गॉसियन पृष्ठ मान लिया, ठीक है, R त्रिज्या का क्या मान लिया हमने, एक गॉसियन पृष्ठ मान लिया, और यहाँ पर एक बिंदु पर एक छोटा सा और हमने एक मान लिया dA, छोटा सा एरिया मान लिया, ठीक है। ये थ्योरी ज़्यादा नहीं लिखनी है, थ्योरी लिख दोगे आप कि माना प्लस की कूलाम आवेश एक बिंदु O पर रखा है, बिंदु O से R त्रिज्या का हम एक गॉसियन पृष्ठ लेते हैं, ये क्या ले लिया, गॉसियन पृष्ठ, ये गोल होगा R त्रिज्या का, इस टाइप का ये ऐसे ऐसे होगा थोड़ा सा, लेकिन बड़ा दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। गॉसियन पृष्ठ क्यों लिया है, गॉसियन पृष्ठ इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर गॉस का नियम लगाएंगे, तो गॉस का नियम जिस पृष्ठ पर लगता है उसी को हम गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है, तो जिस पर हम लगा सकते हैं या लगाते हैं उसी को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, इसलिए हमने गॉसियन पृष्ठ मान लिया क्योंकि गॉस का नियम लगाएंगे हम, ठीक है। और इस पृष्ठ में हमने एक छोटा सा एरिया मान लिया dA, और ये बिंदु हमने मान लिया यहाँ पर क्या है, P है, बिंदु P पर हमने एक छोटा सा एरिया मान लिया dA। आपको ये चीज़ पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, वो कौन सी चीज़ है, वो आपको ये चीज़ थी कि घनकोण का हमने बताया था कि घनकोण बराबर क्या होता था, dA cos थीटा बट्टे r स्क्वायर, ये घनकोण होता था, और घनकोण का मान तो ये होता था, और संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनकोण का मान कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनकोण का मान 4π यानी 4π होता है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए कितना होता है, 4π होता है, किसके लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, क्यों, किसी भी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित किया गया कोण होता है, यानी ये कोण होता है, तो ये सीधी सीधी बात है, ये पूरा का पूरा यानी इस टाइप का कोण बन गया आपका, ये पूरा घुमा के कोण बन जाएगा, तो कितना हो जाता है, 360 को हम 4π बोलते हैं, ठीक है। और इसके बारे में अलग एक वीडियो बना रखी, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा, तो देखिएगा अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम वही पुराना वाला जो फॉर्मूला हमने क्या लिया था, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, फाई बराबर पाई ई बराबर क्या होता है, ई इंटू ए होता है, ई वेक्टर ए, हम इसके छोटे पृष्ठ के लिए ले रहे हैं अभी, किसके लिए, छोटे पृष्ठ के
जब छोटे पृष्ठ के लिए लेंगे तो डी ए आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी डी ए आ जाएगा। डी का मतलब छोटे पृष्ठ का छोटा प्लस बड़े पृष्ठ का पूरा फाई ले देंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने क्या करा, डी फाई बराबर फाई ई ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये फाई ई का मतलब इलेक्ट्रिक प्लस, और इसको जो खोलोगे तो क्या आ जाएगा, डी ई इंटू डी ए कॉस थीटा। यही काम हमने पहले भी किया था, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अब देखिए डी ए कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे, डी ए कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे। क्यों, कहाँ से, यहाँ से हम जानते हैं, ये देखिएगा, हम जानते हैं कि डी ए कॉस थीटा बराबर घनकोण की परिभाषा से क्या हो जाएगा, घनकोण लिख दोगे यहीं पे, घन कोण की परिभाषा से, तो क्या होता है, डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वेयर, ठीक है। ये हो गया। अब दिखाई दे रहा है कि ये आर स्क्वेयर इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा इंटू आर स्क्वेयर बराबर डी ए कॉस थीटा। तो ये वैल्यू आप इसकी जगह पर रख सकते हो, तो ये वाले जो समीकरण है किस टाइप की दिखाई देगी, अब डी फाई बराबर आपको ई इंटू क्या दिखाई देगा, डी ओमेगा इंटू आर स्क्वेयर, ये दिखाई देगी। यानी ये समीकरण डी, यानी इसकी जगह पर मैंने ये वाली वैल्यू, इसकी जगह पे ये आ रहा है, और ये वैल्यू किसके बराबर है, इतने के बराबर है। तो ये जो वैल्यू है मैंने यहाँ पर रख दी, क्योंकि ये बराबर इसके है, तो इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये रख सकता हूँ मैं। ये आ गया। अब आपका क्या करना है, अब वही आपको संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसका मान कितना होता था, 4π होता था। तो लिख दोगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो डी ओमेगा बराबर कितना, 4π। ये यहाँ से संपूर्ण पृष्ठ के लिए, अभी हमें समझाया था घनकोण का एक संपूर्ण पृष्ठ के लिए कितना होता है मान, 4π होता है। तो ये हो गया, जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये 4π हो गया, तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठ लेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ का जो प्लस का है वो कितना, 5 हो जाएगा। तो 5 बराबर ई इंटू डी ओमेगा की जगह पर कितना, 4π आ गया इंटू आर स्क्वायर। इसको समीकरण एक मान लीजिए आप, और इसका मान मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिएगा ये पाई ई बराबर कितना हो गया, ई इंटू 4π, और ये कितना, आर स्क्वायर, ये आ गया। और ये गॉस के नियम से फाई का मान कितना है, ये देखिएगा, ये फाई ई बराबर 1/4π ε₀। तो ये यहाँ पे लिख देंगे गॉस के नियम से ही, गॉस के नियम से फाई की वैल्यू कितनी होती है, गॉस के नियम से फाई की वैल्यू होती है 1/1 ε₀ q बराबर ई, और ये क्या है आपका, ये मैं इसी पेन से ले दे रहा हूँ, ई आई जीरो आर स्क्वेयर। ये गॉस के नियम से आ गया आपका, गॉस के नियम से ये वैल्यू, यानी कि फाई ई की वैल्यू कितनी होगी गॉस के नियम से, ये जो आपने लिख रखी है ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से ई की वैल्यू निकालोगे तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई बराबर हो जाएगा आपका, ये सारी चीज़ नीचे आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू बट्टे ये 4π ε₀ r², या आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो 1/4π ε₀ q/r² इस टाइप का जो फॉर्मूला आपका आता है। ये तो अभी ई का फॉर्मूला आया, लेकिन हमें तो ये कूलम का नियम सिद्ध करना है, और कूलम का नियम क्या होता था, एफ बराबर 1/4π ε₀ q1 q2 r², तो वही चीज़ आ जाएगा। देखिएगा ये यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ के बाद में आपको क्या करना है कि मानाक बिंदु P पर, यानी इस बिंदु पर कोई टेस्ट चार्ज लेकर आए, माना बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश q₀ लाने पर, q₀ लेकर आएंगे तो उसका q₀ लेकर आएंगे तो ई का फॉर्मूला होता था ई बराबर F/q₀, यानी कि एकांक परीक्षण आवेश में लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा q₀ × e, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है q₀ × e की वैल्यू कितनी है, ये रही 1/4π ε₀ q/r², और इसको और आगे की ओर बढ़ाओगे तो क्यू इसके साथ में आ जाएगा, तो क्या दिखाई देगा आपको, 1/4π ε₀ q×q₀/r². तो यही जो समीकरण है, ये
ये जो आई है यही तो ये बल बराबर आया है, यही तो होता है 1/4π ε0 q1 q2/r2, यानी कि ये q1 और ये q2, यानी कि यही कूलम का नियम है, यही तो कूलम का नियम होता है। तो ये आपका होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, तो समझ पाए बातों को। तो यही कूलम का नियम होता है, ये समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक बार और मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ और फिर आपको ये कर लेना है। तो देखिएगा हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, हम यहाँ से स्टार्ट किए थे कि छोटे पृष्ठ का, माना कि ये थ्योरी हमने कितनी लिखवाई थी, देखिएगा मैं इधर आके समझा देता हूँ आपको कि हमने माना है कि माना है प्लस क्यू कूलम आवेश एक बिंदु ओ पर रखा है और इसके चारों ओर आठ त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। माना गॉसियन पृष्ठ का एक बिंदु P है जहाँ पर एक छोटा क्षेत्रफल dA है। तो छोटे पृष्ठ यानी छोटा क्षेत्रफल बोलते हैं छोटे पृष्ठ के लिए वैद्युत प्लस कितना हो जाएगा E इंटू dA, क्योंकि dA लिया है क्योंकि छोटे पृष्ठ का छोटा प्लस का होगा थोड़ा सा, तो वो d लगा दिया तो इसमें छोटा ही एरिया है। अब इसका फॉर्मूला खोलेंगे, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर का फॉर्मूला ए वी कॉस थीटा होता है, ये खोल दिया तो ए बी कॉस थीटा। अब आप जानते हो कि घन कोण की परिभाषा से डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर, ये घन कोण की परिभाषा से होता है, घन कोण का फॉर्मूला होता है। तो ये आ गया, तो इसकी जगह मैं आर स्क्वायर इधर ले आया तो आर स्क्वायर इधर आ जाएगा डी आर स्क्वायर तो डी ए कॉस थीटा ये बचा। तो इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ क्योंकि यही तो इसका मान है, तो ये लिख दिया मैंने। अब मैं संपूर्ण पृष्ठ के लिए बात करूँ तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये यहाँ से चला और यहाँ से घूम के यहाँ तक आ गया तो कोण का मान कितना हो जाता है, कोण का मान से एक संपूर्ण पृष्ठ के लिए 4π होता है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, यानी कि इसकी जगह पर मैंने क्या आ जाएगा, ये जो आपकी जो वैल्यू आई है इसकी जगह पर तो डी आर स्क्वेयर आ गया, तो डी की डी ओमेगा की जगह पर क्या आ गया 4π आ गया। इसको समीकरण एक मान लिया, समीकरण एक मान लिया, या फिर आप कहिएगा डी ये जो वैल्यू है आपकी मैं यहाँ पर ले आया, ये आ गया। और इसकी जो वैल्यू गॉस के नियम से फाई ई बराबर क्या होता है 1/4π ε0 क्यू, तो ये आ गई वैल्यू। तो यहाँ से मैं ई की वैल्यू निकाली तो ये सारी की सारी देखना क्यू तो ऊपर है, ये एप्सिलॉन जीरो ये आ गया और ये सारी की सारी नीचे आ गई 4π r2। इसको मैंने एक फॉर्मूला के टाइप में लिख दिया, जैसे ई का फॉर्मूला होता है 1/4π ε0 ये बट्टे में आ गया q/r2 में एक साथ लिख दिया। अब माना कि बिंदु पी पर यानी कि यहाँ पर हम एक परीक्षण आवेश लेके आए q0, यहाँ पर q0 लेके आए तो उस पर क्या लगेगा, एक वैद्युत बल लगेगा। जब दो आवेश आ जाते हैं तो उनके बीच में यहाँ पर क्यू तो पहले से ही था, एक परीक्षण आवेश और लेके आए तो उसके दोनों के बीच में जो वैद्युत बल लगता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है कि एफ इंटू क्यू जीरो इंटू ई। ये कहाँ से आया, क्योंकि ई बराबर फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ बट्टे क्यू जीरो, ये फॉर्मूला होता है कि यानी वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा का फॉर्मूला कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वही चीज़ें आ गई, तो यहाँ से एफ का मान निकालेंगे तो क्यू जीरो उधर चला गया क्यू जीरो इंटू ई, और ई की वैल्यू आपने देखो ये निकाल रखी है तो ये मैंने यहाँ पर रख दी। अब क्यू ऊपर है तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो q1 q2/r2, यानी q1 की जगह पर q और q2 की जगह पर परीक्षण आवेश है, यही कूलम का नियम होता है। और यही आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप कि ये अच्छे से समझ में आ गया आपको, तो ये समझ में आ गया। तो ये मेरा बोर्ड थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, आपको कॉपी में ये यहाँ से आगे करने के बाद में इसी टाइप का नीचे करते जाना तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। समझ में आई बात, तो ये आपको क्या करना है, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।